हेलो, वेलकम फ्रेंड माय चैनल ज्योति कैड। इस वीडियो में हम इसका जेपीजी इमेज कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। रेंडर इमेज अलग होता है और जेपीजी इमेज जो फोर व्यू होता है, जो हमें कस्टमर के साथ शेयर करना होता है, रिंग की पूरी डिटेल्स देनी होती है हमें, उसमें रिंग साइज क्या है, डायमंड किस साइज का है, हाइट कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, ये सब डिटेल्स हमें देनी होती है। तो एक फोर व्यू की हम जेपीजी इमेज निकालते हैं, वो इमेज हम इस वीडियो में बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले सबसे पहले इस रिंग की हम यहाँ पे डिटेल निकाल लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से टॉप व्यू में आऊंगी। इसका तो ये पूरा देखो, नीचे से ऊपर तक पूरा सेम ही है, तो मैं एक बारी टॉप व्यू में आऊंगी और खाली इसकी यहाँ से विड्थ ही निकाल लूंगी कितनी है। ठीक है, ये है मेरी यहाँ पे 3.10 mm। ठीक है, अभी फ्रंट व्यू में मुझे यहाँ पे दिखाना है कि रिंग साइज क्या है। यहाँ पे मेरे पास ये रिंग का साइज है US 7। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे एक बार ही लिख लेती हूँ। यहाँ पे मैंने कमांड में टाइप किया टेक्स्ट और उसके बाद जहां पे मुझे लिखना है वहां पे मैंने क्लिक करना है और उसके बाद मेरे पास ये खुल के आ जाएगा। देखो यहाँ पे अगर मुझे लिखना है, यहाँ पे मुझे खाली लिखना है US 7। ठीक है, ओके किया मैंने, तो देखो यहाँ पे मेरे पास US 7 आ गया रिंग का साइज। आपको ये बड़ा छोटा करना है, आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, जो कलर आपने देना है वो कलर भी आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे इतना रख रही हूँ। ठीक है, और इसको मैंने फोर व्यू किया, यहाँ से इसकी ये डिटेल आ गई और यहाँ से इसकी डिटेल आ गई, यहाँ से ये 3.10 ही है। ठीक है, अभी देख लो, अभी इस पे हमें इसका मेटल वेट भी दिखाना है। ठीक है, इसका मेटल वेट और निकाल देती हूँ मैं पूरा। मैंने ग्रीन पोर्शन सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने किया GV मेटल वेट्स और इसको मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है और ये मेरे पास आ गया। आपको अगर कस्टमर ने आपको प्रॉपर दिया है कि 14K में चाहिए, उसको 18K में चाहिए, जो भी उसने आपको दिया है आप उसको यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ले रही हूँ गोल्ड 22K 3.36। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे टाइप कर लूंगी, मेरे को जिस भी व्यू में टाइप करना है ना वहीं पे क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ राइट व्यू में टाइप करना है तो मैंने राइट व्यू पे क्लिक किया, टेक्स्ट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे भी करना है मेरे को वहां पे मैंने दबाया, मेरे पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसको मैंने यहाँ से लिख लेना है GOLD गोल्ड और 22K यहाँ पे मैंने लिख लेना है, ये है मेरे पास 3.36 ग्राम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 3.36 ग्राम अप्रोक्स लिख दूंगी, अप्रोक्स, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर में जो मेटल वेट आता है ना ये पूरा एग्जैक्ट नहीं होता। ठीक है, ये कम ही आता है, जितना सॉफ्टवेयर में दिखाता है ना उससे मेटल वेट कम ही आता है। ये यहाँ पे सॉफ्टवेयर में ये दिखा रहा है ना 3.36, तो ये रियल में जो मेटल वेट आएगा ना वो इतना आएगा 2.90। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको 2.90 ही कर देती हूँ। ठीक है, मैंने इसको कर दिया 2.90, इतना फर्क होता है ये इसमें। ठीक है, अभी इसको एंटर किया, जैसे मेरे को इसमें डायमंड भी बताने हैं। ठीक है, कि डायमंड साइज इसमें क्या है, तो मैं वो भी लिख लेती हूँ यहाँ पे। डायमंड साइज जैसे यहाँ पे मेरे पास है 1.5 mm। ठीक है, तो ये मेरे को इसका पूरा डिटेल लिखना है, ये मैंने लिख लिया यहाँ पे और इसको मैंने यहाँ पे ओके कर लेना है और जहां पे भी आपको लिखना है वहां पे लिख लेना है। ठीक है, इसको और पास लेके आना है, आप इसको यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसकी डिटेल आ गई।
अब हमें इसकी इमेज कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलो ये स्टार्ट करते हैं। अभी देखो आपको राइनो में भी निकाल सकते हो और आप ये मैट्रिक्स में भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमने कमांड में लिखना है यहाँ पे ले आउट, ठीक है। अभी वो हमसे पूछ रहा है आपको कितने नंबर में चाहिए, ठीक है। आपको थ्री में चाहिए, देखो थ्री में चाहिए तो यहाँ पे थ्री में भी आ जाएगा। देखो ये थ्री में होके आ गया हमारे पास, इसको मैंने यहां से डिलीट किया, ठीक है। वापिस से मैंने यहाँ पे लिखा लेआउट, यहाँ पे मैं फोर व्यू ही दिखा रही हूँ आपको, मैंने यहाँ पे इसको फोर कर देना है, ठीक है। अभी देखो अभी इसके ऊपर हमने करना है यहाँ पे राइट क्लिक। अभी हमने इस पे डिटेल्स में जाना है, ठीक है। एक बारी के लिए मैं यहाँ पे कर देती हूँ, देखो ये ग्रीन कलर को मैं यहाँ पे ये यहाँ पे करना पड़ेगा, ग्रीन कलर को मैंने यहाँ से ये वाला कलर दे दिया, क्योंकि जब हम रेंडर करते हैं तो वो हमें रेंडर में वही दिखाई देता है, ठीक है। क्योंकि अभी देखो यहाँ पे हम कुछ भी चेंज करेंगे ना तो वो इस पेज पे हमारे पास ऑटोमेटिक चेंज होके आएगा, ठीक है। अभी जैसे इस पे हम जाते हैं प्रोस्पेक्टिव व्यू में, ठीक है। अभी आपने इसको देखो घुमाना है, कुछ करना है, आप इस पे राइट क्लिक करके आपको जो पोजीशन इसकी रखनी है आप वहां पे वो पोजीशन रख सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने इसका वो चेंज कर देना है, यहाँ पे मैं इसको ले रही हूँ रेंडर, क्योंकि रेंडर में यही वाला कलर दिखता है, इसलिए मैंने यहाँ से इसको पहले ही चेंज करके ये कलर ले लिया, ठीक है। अभी वापिस मैं पेज पे जाऊंगी और मैं अब राइट व्यू को सेट करूंगी अपने, ठीक है। आपको यहाँ पे इसको छोटा बड़ा करना है, जहां पे आपको इसको रखना है आप इसको सेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको इसका जो भी यहाँ से अगर आपको अलग अलग चाहिए तो आप अलग अलग भी रख सकते हैं, मैं सबको सेम रख रही हूँ। यहाँ पे भी मैंने इसको यहाँ पे रेंडर कर दिया, देखो, ठीक है। अभी इस पे जाऊंगी मैं, यहाँ पे मैं गई फ्रंट पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे छोटा ले रही हूँ, ठीक है। और इसको भी मैंने यहाँ से कर देना है रेंडर, ठीक है। अब जाएंगे हम यहाँ पे टॉप पे, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ से हल्का सा छोटा ले लेती हूँ और इसको भी मैंने यहाँ से कर देना है रेंडर, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से लेआउट, ठीक है। देखो ये हो गया हमारे पास, इस तरह से हमारे पास डिटेल्स में ये आ गया, ठीक है। अभी देखो अभी सपोज हमने ये उसमें इसको मैं आपको सेव कैसे करना है वो भी सिखाऊंगी, उससे पहले मैं इसको यहाँ पे आपको रेंडर करके दिखा देती हूँ, ठीक है। देखो अगर हमने पूरा इसको रेंडर ही करना है, देखो यहाँ पे हम जाएंगे रेंडर में, यहाँ पे गई मैं और यहाँ पे मैंने ये सारे स्टोन्स को अपने कलर दे दिया डायमंड वाला, क्योंकि वो थोड़े से टाइम लगा ये वाला ही कलर दे दिया मैंने, ओके कर दिया इसको, ठीक है। अभी देखो पेज पे आएंगे तो देखो ये स्टोन्स हमारे यहाँ पे चेंज हो गई है। अभी देखो अगर हमें इसको भी चेंज करना है, कोई भी सिल्वर मेटल को भी अगर हमने कोई कलर देना है, सपोज हमने इसको सिलेक्ट करके और यहाँ पे मैं इसको गोल्ड दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी एक बार इसे इसको हम यहाँ पे रेंडर शेड कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अगर हमने सिल्वर करना है तो इसको हम यहाँ पे सिल्वर भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसा आपको दिखे चाहिए ना वैसा ही पेज पे देखो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये व्हाइट के साथ थोड़ा सा लाइट कलर लग रहा है तो मैं यहाँ से इसको गोल्ड ही लेना पसंद करूंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको मैंने ये रोज कलर देखती हूँ ये कैसा दिख रहा है इमेज में। आप यहाँ से डार्क कलर भी लाइट कलर भी इस तरह से आप ये भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल मैं यहाँ से ये गोल्ड ही ले रही हूँ इसको, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से ले लिया येलो गोल्ड, ठीक है।
तो देखो ये मेरा यहाँ से इमेज में आ गया, ठीक है। अभी यहाँ से वो तो सारी चीजें आपको सेट करनी पड़ेगी, अगर आपको ये डार्क उसमें चाहिए या आप इसको मैट्रिक्स के जो रेंडर प्लास्टिक है उनमें भी आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी इसको हमने शेव कैसे करना है, ठीक है। अभी यहां से जाऊंगी मैं प्रिंट पे, देखो ये हमारे पास यहाँ पे खुल गया, यहाँ पे देखो ये मेरे पास यहाँ पे है 1:2 रेशियो में, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पे 1:1 में करेंगे ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पे अगर इसको हम स्केल टू फिट करेंगे तो वो भी नहीं हमारा प्रॉपर आ रहा है, 2 कर रहे हैं। ये हमारा देखो ये हमारा यहाँ पे प्रॉपर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नीचे से हमने इसमें कोई चेंज नहीं करना है, और इसको मैं यहाँ से प्रिंट पे मैंने दबाया, और यहाँ पे मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर दिया मैंने यहाँ से इसको क्यू के नाम से, और इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। तो देखो अभी देखो ये हमारे पास इमेज बन के यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसकी मैं एक चीज और बता देती हूँ, वो मैं बताना भूल गई आपको, देखो इसको इसको मैंने यहाँ से एक बारी के लिए डिलीट ही कर दिया, ठीक है, परमानेंटली डिलीट। अभी देखो कमांड में मैंने यहाँ पे लिखा ले आउट, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे पोर्ट्रेट भी था और लैंडस्केप भी था, हमने यहाँ पे जो पेपर लिया है वो यहाँ पे पोर्ट्रेट में लिया है। अगर आप यहाँ से लैंडस्केप करना चाहो तो आप देखो पेपर यहाँ पे आपको इस उसमें मिल जाएगा। देखो अच्छी लगी है तो कमेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।